हेलो एवरीवन, आज हम दही के कटलेट्स बनाएंगे या दही कबाब भी बोल सकती हूँ इसे। ये एक स्टार्टर रेसिपी है, गेट टुगेदर या किटी पार्टीज में भी आप बना सकते हो इसे। अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली में भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके लिए पहले मैंने दही लिया हुआ है आधा किलो। कुकर में 2 ग्लास पानी डालेंगे और दही रख देंगे और ऊपर प्लेट रखेंगे, कवर कर लेंगे और 2 विसल के लिए उसे गर्म कर लेंगे। 2 विसल बाद हमारा दही अच्छे से गर्म हो गया, उसे ठंडा करने रखेंगे। अभी हम एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर कॉटन का क्लोथ रखेंगे और दही डाल देंगे उस पर। और इस तरह से कपड़ा बंद करके हम दही में से सारा पानी निकाल देंगे। इस तरह से हमें दही का सारा पानी निकाल देना है और फिर दही को इस तरह से बाउल में निकाल लेंगे। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। मैंने 100 ग्राम पनीर लिया हुआ है, उसको इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे। 2 चीज़ क्यूब्स डालेंगे। हम चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हो, या आप चीज़ नहीं खाते तो उसे स्किप भी कर सकते हो। फिर बेसन डालेंगे 2 चम्मच। मैंने एक छोटा कैप्सिकम लिया हुआ है। फिर अब मसाले कर लेते हैं। हींग डालेंगे, दाना जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, आप चाहे तो हरी मिर्ची भी ले सकते हो, और लास्ट में 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मेरा बाइंडिंग नहीं हो रहा था इसलिए 2 चम्मच और बेसन डाल रही हूँ और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से राउंड शेप करके कटलेट्स रेडी कर लेंगे। प्रेस कर लेंगे हल्का सा। हम चाहें तो राउंड बॉल्स भी बना सकते हो इसके। फिर एक प्लेट में मैंने रवा लिया हुआ है। अभी दही की कटलेट्स को हम इस तरह से कोट कर लेंगे रवा में। हमें उसे अच्छे से कोट कर लेना है। इसी तरह से बाकी के कटलेट्स भी रेडी कर लेंगे। अभी एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाना चाहिए और गैस का फ्लेम हाई रखना है हमें। और फिर फ्राई कर लेंगे गोल्डन क्रिस्पी होने तक। दही को हमें अंदर से नहीं पकाना है ज़्यादा, इसलिए हमें हाई फ्लेम पर उसे फ्राई करना है। आप चाहे तो सैलो फ्राई भी कर सकते हो तवे पे। इस तरह से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। फिर अभी कबाब को मैं ओपन करके बता रही हूँ। ये कबाब हम चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हो। आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।